शाहजहांपुर सरकारी स्कूल में 15 छात्राओं से यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रिंसिपल शिक्षिका सस्पेंड किए गए हैं। कंप्यूटर अनुदेशक की सेवा समाप्त। कंप्यूटर अनुदेशक को गिरफ्तार किया गया। बाथरूम से मिला आपत्तिजनक सामान। 3 के खिलाफ केस दर्ज। कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली करता था बैड टच। छात्राओं के दर्ज किए गए बयान। तो 15 स्कूल में बच्चियों के साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह की कार्रवाई की है, हमारे साथ बीएसए मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई, कितनी गंभीरता से लिया गया इस पूरे मामले को? इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है और जो इंचार्ज थे अनिल कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो साजिया मैडम थे, जो असिस्टेंट टीचर हैं, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। कंप्यूटर अनुदेशक जो मुख्य आरोपी हैं इसमें, उनको जो है संविदा समाप्ति की कार्यवाही उनकी शुरू हो गई है। जिस तरीके की घटना हुई है, क्या जो बाकी स्कूल हैं वहाँ के लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं क्या? हाँ, इसके लिए दिशा निर्देश ये जारी किया गया है कि सारे इंचार्ज और जो भी टीचर हैं इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे ऐसी कोई घटना, और जो हमारी जो छात्राएं हैं उनको भी इस बारे में जागरूक करेंगे, और इस तरह की कोई भी घटना या ऐसा कोई उनके संज्ञान में आए तो तत्काल जो है विभाग को सूचित करें, अपने उच्च अधिकारियों को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीसी साहब का कहना है कि इस तरह के मामलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे जिले के जितने भी इस तरह के स्कूल हैं वहाँ सभी को नोटिस जारी किया गया है कि बच्चों की काउंसलिंग करें, उनसे बातचीत करें। किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ या अश्लीलता की घटना आती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर, दर्शक कुमार, जी मीडिया।